अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज जो कि हमारा टॉपिक है ग्लाइकोलाइसिस की समरी, यानी ग्लाइकोलाइसिस के हर स्टेप को हमने डिटेल में किया है। आज जो हम पढ़ेंगे तो ग्लाइकोलाइसिस की हम एक समरी पढ़ेंगे पूरी ग्लाइकोलाइसिस की। वैसे तो हमने हर स्टेप को एक्सप्लेन किया है, हर स्टेप पर मैंने एक अलग वीडियो बनाया है, लेकिन आज जो वीडियो है ये पूरे ग्लाइकोलाइसिस को हम समराइज़ करेंगे। ग्लाइकोलाइसिस के ये पहला स्टेप है जो आपको नज़र आ रहा है, जिसमें क्या होता था कि ग्लूकोज जो के है ग्लूकोज कन्वर्ट हो जाता था ग्लूकोज 6-फॉस्फेट में, और इस दौरान ATP जो कि ये ADP में कन्वर्ट होता था, एक इनऑर्गेनिक फॉस्फेट को रिमूव कर देता है। इन ATP से एक फॉस्फेट रिमूव हो जाता है, ATP कन्वर्ट होता था ADP में, ये फॉस्फेट फिर ग्लूकोज के साथ मिल जाता 6 पोजीशन पर और ग्लूकोज 6-फॉस्फेट तैयार होता। इस दौरान जो कि है ये हमारे साथ आपको नज़र आ रहा है, इसको मैंने लिखा है स्टेप नंबर वन, साइड पर मैंने स्टेप नंबर वन लिखा है, इस पर मैंने ये भी लिखा है ATP कंज्यूम, इन ये स्टेप नंबर फर्स्ट वो स्टेप है ग्लाइकोलाइसिस में जहाँ पर ATP कंज्यूम होती है। और इसमें क्या होता था कि ग्लूकोज जो कि है ग्लूकोज 6-फॉस्फेट में कन्वर्ट हो जाता। इसी के साथ ही मैंने मतलब राइट साइड पर मैंने इसके साथ जो एंजाइम यूज़ होता है इस स्टेप में वो भी मैंने यहाँ पर मेंशन किया है। एक हेक्सोकाइनेज एंजाइम है जो इस स्टेप में होता है और एक ग्लूकोकाइनेज एंजाइम है। दिस वाज द फर्स्ट स्टेप इन ग्लाइकोलाइसिस। दूसरे स्टेप जो आपको नज़र आ रहा है अभी, ये दूसरा स्टेप है जो आपको नज़र आ रहा है, यानी स्टेप नंबर टू ऑफ ग्लाइकोलाइसिस। स्टेप नंबर टू में क्या होता था कि ग्लूकोज 6-फॉस्फेट जो के हैं ये ऐसा स्टेप है ग्लाइकोलाइसिस में जिसमें आइसोमराइजेशन या आइसोमेरिज्म आकर होता है, या पर मैं लिखता भी हूँ, यानी आइसोमेरिज्म आकर होता है, जिसमें आइसोमराइजेशन होती है, आइसोमेरिज्म आकर होता है जिसमें ग्लूकोज 6-फॉस्फेट जो के हैं फ्रक्टोज 6-फॉस्फेट में कन्वर्ट हो जाता है। ये मैंने इसके साथ लिखा है, यहाँ पर छोटे छोटे से डॉट्स मैंने किए ताकि आपको पता चल जाए कि ये स्टेप नंबर टू है जिसमें ग्लूकोज 6-फॉस्फेट फ्रक्टोज 6-फॉस्फेट में कन्वर्ट हो जाता है। इसी के साथ ही मैंने स्टेप नंबर टू, यहाँ पर मैंने दोबारा टू लिखा है, यानी स्टेप नंबर टू ये इशारा करता है स्टेप नंबर टू की तरफ। इसमें जो एंजाइम यूज़ होता है फॉस्फोहेक्सोज आइसोमेरेज एंजाइम इज़ यूज्ड इन दिस स्टेप नंबर टू ऑफ ग्लाइकोलाइसिस। ये स्टेप नंबर टू था जिसमें ग्लूकोज 6-फॉस्फेट फ्रक्टोज 6-फॉस्फेट में कन्वर्ट हो जाता है। स्टेप नंबर थ्री में क्या होता है, स्टेप नंबर थ्री में दोबारा ये हमारे साथ स्टेप नंबर थ्री है जिसमें दोबारा मैंने लिखा है स्टेप नंबर थ्री ATP कंज्यूम्ड, यानी फर्स्ट स्टेप के बाद ये दूसरा स्टेप है ग्लाइकोलाइसिस में जहाँ पर ATP कंज्यूम होता है, और ये वाहे दो स्टेप से पूरे ग्लाइकोलाइसिस में जिसमें ATP जो के कंज्यूम होती है, एक स्टेप नंबर वन है और दूसरा स्टेप नंबर थ्री है, ये वो दो स्टेप्स है ग्लाइकोलाइसिस में जिसमें एक एक ATP जो के कंज्यूम होती है। इस स्टेप नंबर थ्री में क्या होता है कि ग्लूकोज 6-फॉस्फेट जो के हैं ये फ्रक्टोज 1,6-बेस-फॉस्फेट में कन्वर्ट हो जाता है, यानी पहले ही फ्रक्टोज के 6 पोजीशन पर फॉस्फेट अर्ली एक मौजूद था, लेकिन दोबारा एक फॉस्फेट आता है ATP से और वो फ्रक्टोज के 1 पोजीशन पर अटैच हो जाता है। फ्रक्टोज 6-फॉस्फेट कन्वर्ट हो जाता है फ्रक्टोज 1,6-बेस-फॉस्फेट में, यहाँ पर जो ATP से फॉस्फेट रिमूव हो गया, देन ATP कन्वर्ट हो गया ADP में, और ये जो फॉस्फेट इससे रिमूव हो गया ये फ्रक्टोज 6-फॉस्फेट के 1 पोजीशन पर अटैच होकर फ्रक्टोज 1,6-बेस-फॉस्फेट तैयार हुआ। इस स्टेप नंबर थ्री में जो एंजाइम यूज़ होता है, यहाँ पर मैंने इसके साथ राइट साइड पर लिखा है फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज 1 एंजाइम, फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज 1 एंजाइम थ्री मैंने क्यों लिखा है क्योंकि ये स्टेप नंबर थ्री है, फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज 1 एंजाइम या PFK1 एंजाइम भी इसको कहते हैं। अब हम स्टेप नंबर फोर की तरफ आते हैं, और स्टेप नंबर फोर में क्या होता है, स्टेप नंबर फोर में ये जो फ्रक्टोज 1,6-बेस-फॉस्फेट है ये 2 प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट हो जाता है, एक ग्लाइसिरल्डिहाइड 3-फॉस्फेट, ये हमारे साथ स्टेप नंबर फोर हो गया स्टेप नंबर फोर। फ्रक्टोज 1,6-बेस-फॉस्फेट इज कन्वर्ट, ये 6 कार्बन कंपाउंड है तो ये 2-3 कार्बन कंपाउंड में कन्वर्ट हो जाता है, एक ग्लाइसिरल्डिहाइड 3-फॉस्फेट में और दूसरा जो कि है डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट में कन्वर्ट हो जाता है, एक
ग्लाइसरल्डिहाइड 3-फॉस्फेट और दूसरा जो के है डाईहाइड्रॉक्सी एसीटोन फॉस्फेट में कन्वर्ट हो जाता है। ग्लाइसरल्डिहाइड 3-फॉस्फेट एंड डाईहाइड्रॉक्सीसीटोन फॉस्फेट, ये दो प्रोडक्ट्स हमें देते हैं। सो इसमें ये जो डाईहाइड्रॉक्सीसीटोन फॉस्फेट है ये जो आपको नज़र आ रहा है ये फोरन जो के है कन्वर्ट हो जाता है, ये भी कन्वर्ट हो जाता है ग्लाइसरल्डिहाइड 3-फॉस्फेट में। सो ये जो आपको नज़र आ रहा है ये पूरा स्टेप नंबर 4 है, ये पूरा जो के है ये स्टेप नंबर 4 है जिसमें प्रोक्टोज 1,6 बेस फॉस्फेट कन्वर्ट हो जाता है ग्लाइसरल्डिहाइड 3-फॉस्फेट और डाईहाइड्रॉक्सीसीटोन फॉस्फेट में। ये जो इस एंजाइम इसके लिए यूज़ होता है 4 नंबर में, यहाँ पर मैंने 4 लिखा है। सो इस 4 नंबर स्टेप में दो एंजाइम यूज़ होते हैं, एक ये एंजाइम यूज़ होता है जो प्रोक्टोज 1,6 बेस फॉस्फेट को कन्वर्ट करता है ग्लाइसरल्डिहाइड 3-फॉस्फेट में एंड डाईहाइड्रॉक्सी एसीटोन फॉस्फेट में, और दूसरा एंजाइम ये यूज़ होता है फॉस्फोट्रायोज आइसोमेरेज। ये वो एंजाइम है जो डाईहाइड्रॉक्सीसीटोन फॉस्फेट को दोबारा कन्वर्ट करता है ग्लाइसरल्डिहाइड 3-फॉस्फेट में। सो फाइनली इस स्टेप में क्या होता है कि प्रोक्टोज 1,6 बेस फॉस्फेट जो के ये हमें दो ग्लाइसरल्डिहाइड 3-फॉस्फेट, यहाँ पर मैंने 2 इसलिए लिखा है क्योंकि हमारे साथ जो ग्लाइसरल्डिहाइड 3-फॉस्फेट अब प्रोक्टोज 1,6 बेस फॉस्फेट कन्वर्ट हो गया 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लाइसरल्डिहाइड 3-फॉस्फेट, ये 2 मॉलिक्यूल्स हमें ग्लाइसरल्डिहाइड 3-फॉस्फेट के हासिल हुए। सो यहाँ तक स्टेप नंबर 4 था। अब जो के है ग्लाइसरल्डिहाइड 3-फॉस्फेट के आगे हम जाते हैं कि इसके आगे क्या होगा। सो स्टेप नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं जिसमें ग्लाइसरल्डिहाइड 3-फॉस्फेट कन्वर्ट होता है 1,3 बेस फॉस्फोग्लाइसरिक एसिड में कन्वर्ट होता है। इसके साथ मैंने यहाँ पर लिखा भी है स्टेप नंबर 5, और इसमें मैंने यहाँ पर लिखा इन NADH2 प्रोड्यूस्ड, यानी वो स्टेप है जिसमें NADH2 जो के है प्रोड्यूस होता है। स्टेप नंबर 5 में NADH2 प्रोड्यूस होता है जिसमें ग्लाइसरल्डिहाइड 3-फॉस्फेट कन्वर्ट हो जाता है 1,3 बेस फॉस्फोग्लाइसरिक एसिड में। ये पहला वो स्टेप है स्टेप नंबर 5 जहाँ पर ऑक्सीडेशन होती है ग्लाइसरल्डिहाइड 3-फॉस्फेट की, क्योंकि इसे हाइड्रोजन रिमूव हो जाता है, वो हाइड्रोजन NAD के साथ मिल जाते हैं और ये NADH2 में कन्वर्ट हो जाता है। इस दौरान एक इनऑर्गेनिक फॉस्फेट इसी ऑक्सीडेशन से जो कि एक एनर्जी मिल जाती है इसको, जिसमें इनऑर्गेनिक फॉस्फेट जो कि है इस रिएक्शन में यूज़ होता है और ग्लाइसरल्डिहाइड 3-फॉस्फेट के साथ अटैच हो जाता है ये फॉस्फेट। सो यहाँ पर ये ग्लाइसरल्डिहाइड 3-फॉस्फेट कन्वर्ट हो जाता है 1,3 बेस फॉस्फोग्लाइसरिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। सो ये स्टेप नंबर 5 है, और इसमें जो एंजाइम यूज़ होता है वो है इन ये स्टेप नंबर 5 में जो एंजाइम यूज़ होता है ग्लाइसरल्डिहाइड 3-फॉस्फेट डीहाइड्रोजनेज एंजाइम इसमें यूज़ होता है। नेक्स्ट स्टेप की तरफ बढ़ते हैं स्टेप नंबर 6 ऑफ ग्लाइकोलिसिस जिसमें 1,3 बेस फॉस्फोग्लाइसरिक एसिड कन्वर्ट हो जाता है 3-फॉस्फोग्लाइसरिक एसिड। स्टेप नंबर 6 ऑफ ग्लाइकोलिसिस यहाँ पर मैंने दोबारा मेंशन किया है ATPase प्रोड्यूस्ड, ये ग्लाइकोलिसिस का सबसे पहला स्टेप है स्टेप नंबर 6 जिसमें एक ATP प्रोड्यूस होती है, और इसमें क्या होता है कि 1,3 बेस फॉस्फोग्लाइसरिक एसिड से एक फॉस्फेट चला जाता है और वो ADP के साथ मिल जाता है और ADP जो के है ये कन्वर्ट हो जाता है ETP में कन्वर्ट हो जाता है। इसके लिए जो एंजाइम चाहिए स्टेप नंबर 6 के लिए ये है फॉस्फोग्लाइसरेट काइनेज एंजाइम है। स्टेप नंबर 5 में डीहाइड्रोजनेज, स्टेप नंबर 6 में काइनेज एंजाइम यूज़ होता है। अब हम स्टेप नंबर 6 से आगे जाते हैं जिसमें 3-फॉस्फोग्लाइसरिक एसिड कन्वर्ट हो जाता है 2-फॉस्फोग्लाइसरिक एसिड में, और यहाँ पर भी आइसोमेरिज्म होती है 3-फॉस्फोग्लाइसरिक एसिड जहाँ पर फॉस्फेट थर्ड पोजीशन पर था यहाँ पर ये 2 पोजीशन में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी दिस इज़ द अनदर स्टेप ऑफ ग्लाइकोलिसिस जिसमें आइसोमराइजेशन होती है, जिसमें आइसोमेरिज्म अकर होती है। ये स्टेप नंबर 7 ऑफ ग्लाइकोलिसिस है, 3-फॉस्फोग्लाइसरिक एसिड कन्वर्ट हो जाता है 2-फॉस्फोग्लाइसरिक एसिड में, और इस 7 नंबर स्टेप में जो एंजाइम चाहिए वो है फॉस्फोग्लाइसरेट म्यूटेज एंजाइम। सो स्टेप नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं जिसमें 2-फॉस्फोग्लाइसरिक एसिड से वाटर मॉलिक्यूल रिमूव हो जाता है और ये कन्वर्ट हो जाता है फॉस्फोइनोल पाइरूविक एसिड में। ये स्टेप नंबर 8 ऑफ ग्लाइकोलिसिस है जिसमें 2-फॉस्फो
ग्लाइसरिक एसिड से वाटर मालिक्यूल यानी एच और ओ एच दो ग्रुप से रिमूव हो जाते हैं, वो वाटर मालिक्यूल बनाते हैं, वाटर मालिक्यूल से रिमूव हो जाएगा एंड टू पास हो ग्लाइसरिक एसिड कन्वर्ट हो जाएगा पास हो इनोल पाइरिक एसिड में। और ये जो एंजाइम जिस एंजाइम के थ्रू होता है वो है इनोलेज एंजाइम। स्टेप नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं जिसमें पास्फोइनोल पाइरुविक एसिड जो के है ये कन्वर्ट हो जाता है इनोल पाइरुविक एसिड में, यानी यहाँ पर भी फॉस्फेट ग्रुप रिमूव हो जाता है, वो फॉस्फेट ग्रुप पर एडीपी के साथ मिलता है और एडीपी कन्वर्ट हो जाता है एटीपी में। दिस इज़ द अनदर स्टेप ऑफ ग्लाइकोलिसिस स्टेप नंबर 9, यहाँ पर मैंने इसके साथ लिखा भी है एटीपी प्रोड्यूस्ड। ये दूसरा स्टेप है ग्लाइकोलिसिस का जिसमें एक एटीपी प्रोड्यूस होता है, एक जो कि है स्टेप नंबर 6 था और ये दूसरा स्टेप नंबर 9 है जिसमें एटीपी प्रोड्यूस होती है, जिसमें फॉस्फोइनोल पाइरुविक एसिड कन्वर्ट हो जाता है इनोल पाइरुविक एसिड में थ्रू एंजाइम पाइरुवेट काइनेज। इस पर मैंने पूरा डिटेल आपको किया था पाइरुवेट काइनेज एंजाइम। नेक्स्ट स्टेप जो कि है क्या होता है, इसमें इनोल पाइरुविक एसिड जो के है जो लास्ट स्टेप हमने किया था स्टेप नंबर 10 ऑफ ग्लाइकोलिसिस जिसमें इनोल पाइरुविक एसिड जो के कन्वर्ट हो जाता है कीटो पाइरुविक एसिड में। और इसमें मैंने आपको ये बात बताया था कि इस ये वो स्टेप है ग्लाइकोलिसिस का जिसमें नो एंजाइम इज यूज्ड, कोई एंजाइम इसमें यूज नहीं होता है, इसमें जस्ट पाइरुविक एसिड या पाइरुवेट का इनोल फॉर्म कन्वर्ट हो जाता है कीटो फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। सो ये पूरे 10 स्टेप्स थे। अब इसमें जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स है जो आपको याद करने होंगे वो क्या है, इम्पॉर्टेंट पॉइंट वो है जो आपको याद करने पड़ेंगे, ये पूरा मैं आपको दिखा रहा हूँ, पूरे 10 स्टेप हो गए ग्लाइकोलिसिस के। अब इसमें जो कि है याद रखें एक बात याद रखें कि इस पूरे ग्लाइकोलिसिस में दो स्टेप्स हैं जिसमें एटीपी कंज्यूम होती है, एक स्टेप नंबर 1 है और दूसरा स्टेप नंबर 3 है जिसमें एटीपी कंज्यूम होती है। दूसरा ये बात याद रखो कि दो स्टेप्स है पूरे ग्लाइकोलिसिस में जिसमें एटीपी प्रोड्यूस होती है, एक स्टेप नंबर 6 है और एक स्टेप नंबर 9 है जिसमें एटीपी प्रोड्यूस होती है। लेकिन याद रखिए कि यहाँ जो स्टेप नंबर 4 है, स्टेप नंबर 4 तक जो प्रोसेस है ये प्रिपरेटरी पेज इसको कहते हैं, स्टेप नंबर 1 से स्टेप नंबर 4 तक ग्लाइसरिल्डिहाइड 3 फॉस्फेट तक जो स्टेप्स है इसको प्रिपरेटरी पेज कहते हैं, और इस स्टेप नंबर 5 से लास्ट स्टेप तक जो है इसको कहते हैं ऑक्सीडेटिव फेज, क्योंकि स्टेप नंबर 5 वो स्टेप है जहाँ से ग्लाइसरिल्डिहाइड 3 फॉस्फेट की ऑक्सीडेशन स्टार्ट हो जाती है। और इस दौरान चूंकि ग्लाइसरिल्डिहाइड 3 फॉस्फेट दो प्रोड्यूस होते हैं तो ये जो साइकिल नेक्स्ट चल रहा है ये दो ग्लाइसरिल्डिहाइड 3 फॉस्फेट के लिए चल रहा है। सो इस दौरान स्टेप नंबर 6 में एक एटीपी और स्टेप नंबर 9 में एक एटीपी प्रोड्यूस होता है, यानी हमारे साथ तो ये एक एटीपी ये हो गए एक ये, तो इज अ होल ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस में ये दो हो गए, लेकिन ये दो नहीं चार है क्योंकि एक ग्लाइसरिल्डिहाइड मॉलिक्यूल 3 फॉस्फेट से दो एटीपी बनते हैं, तो दो ग्लाइसरिल्डिहाइड 3 फॉस्फेट से कितने चार एटीपी मॉलिक्यूल बन जाएंगे। सो दूसरा स्टेप जो कि है स्टेप नंबर 5 है जिसमें NADH2 प्रोड्यूस होता है। तीसरी बात ये याद रखो, स्टेप नंबर 5 और स्टेप है जिसमें NADH2 प्रोड्यूस होता है। ये NADH2 जो कि है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में ETC में 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ ATP प्रोड्यूस करते हैं, 3 ATP मॉलिक्यूल प्रोड्यूस करते हैं। लेकिन इस पर हम बाद में डिस्कशन करेंगे, सिर्फ ये ग्लाइकोलिसिस का जो कि है एक समरी थी, मैंने इसको समराइज़ किया, पूरा आपको नज़र आ रहा है ठीक है ना। यहाँ पर मैंने स्टेप नंबर लिखे हैं, बीच में मैंने स्टेप्स लिखे हैं कि कौन से स्टेप में क्या होता है, कौन सा रिएक्टेंट कौन से प्रोडक्ट में नेक्स्ट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाता है, और इसके साथ राइट साइड पर हर रिएक्शन के साथ मैंने एंजाइम्स लिखे हैं, बीच में हर रिएक्शन में जो NAD या ATP ADP में कन्वर्ट है या ADP ATP में कन्वर्ट, वो भी मैंने इसको यहाँ पर मेंशन किया है। थैंक यू। नेक्स्ट स्टेप इंशाल्लाह हम इस पर करेंगे कि जो ग्लाइकोलिसिस है ग्लाइकोलिसिस में कितने ATP प्रोड्यूस होते हैं। तो थैंक यू।